हेलो मोटो, हे गाइस, वेलकम बैक। और जानते हैं थे कि मोटोरोला ने अगस्त के महीने में यहाँ पे 3 नए सीरीज लॉन्च कर दिया गया है, जो कि मोटोरोला S50, मोटोरोला S50 फ्यूजन और मोटोरोला Z85 5G लॉन्च किया गया है। तीनों ही फ़ोन आपस में एक दूसरे को कंपेयर करते हैं और यहाँ पे तीनों फ़ोन आपस में एक दूसरे को टक्कर भी देते हैं। आखिर इन तीनों में कौन सा बेस्ट फ़ोन है, इसके बारे में हम जानकारी आज देने वाले हैं आपको। तीनों फोनों का कंपेरिजन देखने को मिलेगा इस वीडियो में। सबसे पहले हम बात करेंगे मोटोरोला S50 और मोटोरोला S50 फ्यूजन के बारे में। तीनों में इसमें क्या क्या कॉमन चीज़ देखने को मिलती है और आखिर कौन सा बेस्ट फ़ोन है और उनकी प्राइजेस क्या हैं, ये भी आपको डिटेल में आज देखने को मिलेंगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप पहली वीडियो देख रहे हैं। तो मजल के यहाँ पे तीनों फ़ोन मार्केट में लॉन्च कर दिए गए हैं, जो कि इंडियन मार्केट लॉन्च कर दिया गया है। यहाँ पे सभी में बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है, ग्लास फ्रंट मिलता है, एल्युमिनियम ब्रांड देखने को मिलता है। तो यहाँ पे हर चीज़ देखने को एक दूसरे में अलग अलग कुछ देखने को मिलते हैं। चलिए हम बात करेंगे सबसे पहले डिस्प्ले दोनों फ़ोनों को लेकर के, यानी मोटोरोला S50 के डिस्प्ले के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे POLED 1B कलर्स के साथ 220 GHz का HDR10 और 1600 निट्स पीक के साथ इसका डिस्प्ले देखने को मिलता है, जिसकी स्क्रीन साइज़ है 6.7 इंच, 107.4 सेंटीमीटर स्क्वायर देखने को मिलती है। स्क्रीन बॉडी रेशियो दिया गया है, बहुत शानदार है। और रेजोल्यूशन की बात करें तो यहाँ 1220 से लेकर के 2717 पिक्सल तक रेशियो देखने को मिलता है। इसमें गोरिल्ला ग्लास 5 देखने को मिलता है मोटोरोला S50 में। तो वही हम बात करेंगे मोटोरोला S50 फ्यूजन के बारे में। तो यहाँ पे POLED 120 GHz का लेटम, 144 GHz का नेट और 1600 यूनिट्स का पिक डिस्प्ले देखने को मिलता है। 6.7 इंच की डिस्प्ले देखने को मिलती है। इसमें 1080 का रेजोल्यूशन और 2400 पिक्सल का 20:9 रेजोल्यूशन का देखने को मिलता है। गोरिल्ला ग्लास 5 इसमें भी देखने को मिलता है। डिस्प्ले में बात किया जाए तो अगर हम बात करें प्लेटफॉर्म को लेकर के, तो यहाँ पे और एंड्रॉयड 14 दोनों ही स्मार्टफोन में देखने को मिलती है। मेजर एंड्रॉयड अपग्रेड देखने को मिलता है मोटोरोला S50 में, और जो कि मोटोरोला S50 फ्यूजन में ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगा। चिपचैट की बात करें तो चिपचैट के क्वालकॉम SM7450ABB स्नैपड्रैगन 7 जनरेशन NE4M का देखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी सेम जनरेशन देखने को मिलता है और यहाँ पे इंटरनेशनल जनरेशन देखने को मिलेगा। क्वालकॉम SM645 के साथ स्नैपड्रैगन 6 जनरेशन 14 लेटम देखने को मिलता है और यहाँ पे 7 जनरेशन का सिक्वेंट इंटरनेशनल लेटम देखने को मिलता है। CPU की बात करें दोनों में, तो यहाँ पे ऑक्टा कोर का प्रोसेसर देखने को मिलता है दोनों में, जो कि काफ़ी शानदार है। एंड्रॉयडो का GPU भी देखने को मिलता है। कार्ड स्लॉट की बात करें तो दोनों में कार्ड स्लॉट नहीं दिया गया है। इंटरनल की बात करें तो 256 GB RGB रैम के साथ आता है मोटोरोला S50 और मोटोरोला S50 फ्यूजन में आपको 128 GB, 512 GB और 12 GB रैम देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको 4 वेरियंट देखने को मिलते हैं मोटोरोला S50 फ्यूजन में। और यहाँ पे बात करें कि यहाँ मेन कैमरे की बात करें तो तीनों फ़ोनों में आपको 50 MP का वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी है। वाइड एंगल डुअल पिक्सल कैमरा देखने को मिलता है 1 MP, और डिस्टेंस यहाँ पे अच्छा खासा देखने को मिलता है। अब फ्रंट कैमरे की बात करें तो यहाँ पे मोटोरोला S50 फ्यूजन में 13 MP का फ्रंट कैमरा अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मोटोरोला S50 में 10 MP का 2.0 में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है, जो कि 3x ऑप्टिकल जूम के साथ देखने को मिलेगा अल्ट्रा वाइड एंगल में। तो वहीं फीचर्स की बात करें, डुअल LED फ्लैश देखने को मिलता है, HDR प्रोनोमा देखने को मिलता है दोनों फ़ोनों में। और वीडियो क्वालिटी की बात करें दोनों में 4K वीडियो क्वालिटी देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं ये फ़ोन एक दूसरे में काफ़ी अच्छा फ़ोन देखने को मिलता है, दोनों में एक कंपेरिजन देखने को मिलता है। मॉडल की बात करें, मॉडल की तरह 32 MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है दोनों फ़ोनों में, 2.5 वाइड एंगल के बाद और 2.4 वाइड एंगल देखने को मिलता है मोटोरोला S50 में। HDR मोड दोनों देखने को मिलेगा, 4K की वीडियो क्वालिटी के साथ देखने को मिलता है दोनों फ़ोनों में। लाउड स्पीकर की बात करें तो यहाँ पे दोनों फ़ोनों में लाउड स्पीकर नहीं देखने को मिलेगा। लाउड स्पीकर में स्पीकर देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे 3.5 mm जैक देखने को नहीं मिलेगा। दोनों फ़ोनों में लाउड स्पीकर देखने को मिलता है, स्टीरियो लाउड स्पीकर लगाया गया है, लेकिन यहाँ पे 3.5 mm जैक दोनों फ़ोनों में देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे वाईफाई और इंटरनेट कनेक्टिविटी देखने को मिलती है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है, GPS लॉन ग्लास और गरिल्ला देखने को मिलता है, तो काफ़ी अच्छा है। NFC भी देखने को मिलता है, इंफ्रारेड भी देखने को मिलता है, रेडिएशन भी देखने को मिल रहा है, USB टाइप सी दोनों में देखने को मिलती है। 2.4 के साथ OTG सपोर्टेड भी है और इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर तीनों फोन में देखने को मिलेगा। बैटरी भी तीनों में सेम देखने को मिलती है और 50 mAh की बैटरी देखने को मिलती है मोटोरोला S
50 में, मोटोरोला एस 50 फ्यूजन में भी 15,000 mAh की बैटरी है, दोनों में बैटरी रिमूवल नहीं है। चार्जिंग पॉइंट की बात करें तो 68 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है, तो वहीं पे 68 वाट का वायर 50% इन 15 मिनट की एडवांस में देखने को मिलता है, 15 वाट वायरलेस चार्जर मिलता है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही शानदार चार्जर देखने को मिलता है। इसमें भी अगर हम बात करें कलर तो कोकोला ग्रे, जंगली ग्रीन, पंजल ब्लू देखने को मिलता है, यहाँ फॉरेस्ट ब्लू, मानसफिला ब्लू और हॉट पिंक देखने को मिलता है फ़ोन, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही अच्छा फ़ोन है। और ये थी कुछ स्पीकेशन इन दोनों फ़ोनों को लेकर के, जो मोटोरोला S50 और मोटोरोला S50 फ्यूजन को देख लेकर के, इसमें आपको कौन सा फ़ोन अच्छा लगा हमें कर सकते हैं। दोनों फ़ोनों की प्राइस की बात करें तो यहाँ पे मोटोरोला S50 की प्राइस 25,999 रुपये रखी गई है स्टार्टिंग प्राइस, और मोटोरोला S50 फ्यूजन की यहाँ पे इसकी प्राइस कहीं बढ़ती देखने को मिलती है, क्योंकि इसकी प्राइस जो है कहीं 24,000-25,000 की इसके अभी लमसम है। अभी फिलहाल आपको अमेजोन पे 24,412 रुपये में देखने को मिल सकता है, लेकिन इसकी भी प्राइस कभी कम कभी बेसी देखो, क्योंकि अलग अलग वेरियंट है तो अलग अलग वेरियंट के हिसाब से इसकी प्राइस में कम बेसी देखने को मिल सकता है। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा फ़ोन अच्छा लगा, कौन सा फ़ोन आपको अच्छा नहीं है, आपके हिसाब से कौन सा फ़ोन बेस्ट देखने को मिलता है, हमें कमेंट जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना भूलिएगा। जय हिंद।